स्टूडेंट्स, आई महेंद्र सिंह चौहान, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सिकंदरी एकेडमी एंड एजुटेट। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 11 के बायोलॉजी के सिलेबस के लिए, कार्डिक सर्कल पढ़ रहे थे, बॉडी सर्कुलेशन ऑफ फ्लूड की बात कर रहे थे, वी डिस्कस अबाउट द ब्लड एंड रोल ऑफ ब्लड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ब्लड, कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, डिफरेंट सेल्स ऑफ द ब्लड, अबाउट द वाटर, ब्लड कंपोनेंट, ब्लड प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन्स, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, एंटीबॉडीज एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड मेजर रोल ऑफ द एंटीबॉडीज वी डिस्कस ड्यूरिंग इन द चैप्टर इम्यून सिस्टम। तो आप बताएंगे सर, आपने सिर्फ बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट के बारे में बताया, बट सर ने हमें पूरा डिटेल में नहीं बताया एंटीजन एंटीबॉडी सब चीज़ यहाँ पढ़ लेगी। तो क्लास में 12th के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा ना, 12th में जो चीज़ हमें पढ़नी है। तो 12th में हमारा पूरा एक चैप्टर है NTR का, आप तो आ रहे हैं बिल्कुल, आपके लिए तैयार है वो सिलेबस, NCERT बेस्ड हो गया वो, ठीक है। जब तक आप आगे आएंगे आपको चैप्टर मिल जाएगा कि एंटीजन एंटीबॉडी का हम पूरा पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ का कि कौन कौन से डिजीज़ है, एंटीजन एंटीबॉडी का क्या रोल होता है, प्लाज्मा का रोल तो मैंने आपको बता ही दिया क्योंकि अभी कोरोना का दौर चल रहा है, तो कोरोना में आपको प्लाज्मा का इंपॉर्टेंस क्या होती है जो मैंने आपको बताया था, मैं आपको बताऊँगा, आप वीडियो देखिएगा, अगर आपने वो वीडियो पूरा देखा हो तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता पड़ गई, इसीलिए प्लाज्मा बैंक खोले गए। तो पहला मैं आपसे जानना चाहूँगा, फर्स्ट इंडिया का प्लाज्मा बैंक कहाँ खुला है, विच स्टेट और विच यूटी हैड ओपन फर्स्ट इंडियन प्लाज्मा बैंक, ठीक है। तो प्लाज्मा जिस तरह से ब्लड बैंक होते हैं हॉस्पिटल में, उस तरह से प्लाज्मा बैंक भी खुल गए। तो प्लाज्मा का कलर मैंने आपको बताया था, थोड़ा येलोइश कलर होता है, वो ऊपर होता है, उसकी सेडिमेंटेशन रेट कम होती है, वो ऊपर ही हो जाता है सुपरनेटेंट के फॉर्म में। उसके अलावा बात करें यहाँ पे, और अब के यहाँ ब्लड के डिफरेंट सेल्स पढ़ लिए हमने, फिर उसके बाद हमने हार्ट के बारे में पढ़ा, डिस्कस अबाउट द हार्ट स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, हार्ट का स्ट्रक्चर की बात करें हमने, तो ये हार्ट का स्ट्रक्चर हमने डिटेल में पढ़ा था, तो हार्ट का। उसके बाद हमने बात की थी कार्डियक साइकिल की, बात करेंगे कार्डियक साइकिल से पहले मैं थोड़ा आपको हार्ट का वापस रिवाइज करा दूँ। तो हार्ट के स्ट्रक्चर में पढ़ा था हमने, हार्ट का जो मेम्ब्रेन जो प्रोटेक्शन होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है, यहाँ का जो ओरिजिन है हार्ट का, जो ओरिजिन है वो मेजोडर्म से ओरिजिन है। मेजोडर्म क्या होती है, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बात करेंगे थीन जर्म लेयर्स होती है, देयर आर थ्री जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेजोडर्म। तो हार्ट का जो ऑरिजन होता है, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट बनाने का जिम्मा डिफरेंट डिफरेंट डर्म्स को दिया जाता है। तो यहाँ एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, यहाँ हार्ट का जो ऑरिजन होता है वो मेसोडर्म से होता है, इसलिए इसको मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड माना जाता है कि इसका जो ऑरिजन हुआ है हार्ट का वो मेसोडर्म से हुआ है। उसके अलावा इसके स्ट्रक्चर में बात करें तो हमने बात की थी इसका जो प्रोटेक्शन होता है, यहाँ जो टिश्यूज होते हैं, यहाँ पे कार्डिक मसल्स होती है पर्टिकुलर, ठीक है। और कार्डिक मसल्स में बात करेंगे, यहाँ जो हार्ट के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है, तो कार्डिक मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है जिसको पेरिकार्डियम स्पेस कहते हैं, और पेरिकार्डियम स्पेस में ही एक फ्लूड पाया जाता है, उसको पेरिकार्डियम फ्लूड कहा जाता है। हार्ट की जो पोजिशन होती है, हमारे जो लंग्स हैं, दोनों लंग्स के बीच में थोरेसिक कैविटी जो बनी हुई है, उस कैविटी में इसकी हार्ट की पोजीशन होती है, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, जिस तरह से हमारी अर्थ टिल्ट हो रखी है 23.5 डिग्री एंगल पे, तो यहाँ पे ये हार्ट भी थोड़ा सा टिल्ट होके रहता है लेफ्ट की तरफ, इसका झुकाव थोड़ा सा बना हुआ रहता है। इसके अलावा हमने बात की थी हमारे ह्यूमन हार्ट जो होता है फोर चैम्बर होता है, फोर चैम्बर से मतलब है दो आर्टरी और दो वेंट्रिकल्स होते हैं, तो इनका बीच में सेपरेटर भी होते हैं, सेपरेशन भी होता है ताकि इनका ब्लड जो है कहीं से भी किधर राइट का लेफ्ट में मिक्स ना हो, राइट आर्टरी का वेंट्रिकल में मिक्स ना हो, लेकिन इनके पैसेज के लिए राइट का लेफ्ट में बिल्कुल मिक्स नहीं होगा क्योंकि बीच में सेप्टम होता है, ठीक है, जो थिन वॉल्ड होता है आर्टरी के बीच में और थिक वॉल्ड होता है वेंट्रिकल के बीच में। अब यहाँ पे अगर इसके बात करें प्रोटेक्शन के लिए, तो वेंट्रिकल जो होते हैं, वेंट्रिकल के चारों तरफ जो मसल्स होती है, दे आर कंपैरेटिवली थिक देन आर्टरिया, आर्टरिया या इस पोर्शन के पास जो मसल्स होगी वो थिन होती है, जबकि यहाँ के चारों तरफ वाली मसल जो होगी वो थिक होगी, इसका प्रोटेक्शन ज़्यादा होता है। प्रोटेक्शन तो खैर कंप्लीट हार्ट का ही होता है, हार्ट जो होता है मायोजेनिक होता है, मायोजेनिक मतलब खुद इम्पल्स जनरेट करता है। यहाँ एक हमने बात की थी, एक टिश्यूज का क्लंप पाया जाता है, ठीक है, एक पैच टिश्यू का होता है जिसको SN कहते हैं, एक पैच टिश्यू का यहाँ होता है जिसको AVN कहते हैं, सेनो आर्टरियल नोड होता है, यहाँ आर्टरी वेंट्रिकुलर नोड होता है क्योंकि आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में होता है, इस सेप्टम के पास होता है, और यहाँ से फिर वो एक इम्पल्स जनरेट करता है, और इम्पल्स क्या होती है दो ब्रांच में चली जाती है क्योंकि एक लेफ्ट में भी जाती है एक राइट में भी जाती है क्योंकि बीच में सेप्टम आ रखा है।
तो दो ब्रांच बन गए। अब ये ब्रांच जाता है, इस ब्रांच में जब होने के बाद इसका नाम चेंज हो जाता है ये सिंपल्स का, इसको कहा जाता है पुरकिंजे फाइबर, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके आगे बात करें तो फिर से ये आगे और जाता है बंडल ऑफ हिस्स में बदल जाता है। तो ये सारा हमने बात की थी, दो वॉल्व होते हैं जिससे राइट साइड राइट आर्ट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है, लेकिन राइट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं जा सकता, पूरी तरह से बंद होता है, बीच में कम्प्लीटली सेप्टम होगा। जैसे अगर बात करें जनरल कि अगर ये ह्यूमन हार्ट है तो यहाँ तो कम्प्लीटली थिक वॉल्व है, यहाँ तो मिक्सिंग नहीं होगी, लेकिन यहाँ आर्ट्रियम, यहाँ पे देखो यहाँ बीच में एक पोर होता है, एक ओपनिंग होता है, इसको कहते हैं वॉल, क्या कहते हैं। तो राइट साइड में जो वॉल होता है उसको ट्राइकस्पिड वॉल कहा जाता है, लेफ्ट साइड में जो वॉल होता है उसको बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल कहा जाता है। तो हार्ट राइट साइड से राइट में मूव करेगा ब्लड, लेफ्ट साइड से लेफ्ट में मूव करेगा ब्लड। फिर यहाँ पर भी एक वॉल्व होता है जिसको कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व, ये जो है इसको सेमी ल्यूनर वॉल्व कहा जाता है। अब उसके अलावा आगे ब्लड फिर से फ्लो होने का पल्मोनरी आर्टरी, एक चीज होती है आर्टरी, मैं आपको बता देता हूं। आर्टरी का काम होता है क्या करना, यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को या कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, क्या करती है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से ब्लड को दूर ले जाती है, और वो ब्लड भी कैसा, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर ले जाना। ऑक्सीजनेटेड मतलब उस ब्लड में ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा हो, या फिर मैंने आपको क्या कहा था, प्यूरीफाइड ब्लड को या प्योर ब्लड को। दूसरी तरफ इसके एक्सेप्शन भी है, कौन सी एक्सेप्शन है, ये पल्मोनरी आर्टरी, कैसे है एक्सेप्शन अभी मैं बताऊँगा आपको, ठीक है, जब हम कार्डियक साइकिल की बात करने वाले हैं। इसके अलावा एक होती है वेंस, इसका काम होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को हार्ट के पास लेके आना, ब्रिंग ब्लड टू द हार्ट या इनटू द हार्ट, हार्ट के पास लाइए कौन। और दूसरा बात करेंगे सेकंड पॉइंट, जैसे लिखा हमने, ये लाती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब कि जिसमें CO2 का कंटेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, यहाँ ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा होगा या ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो ऐसा ब्लड क्या कहलाएगा, इम्प्योर ब्लड। अब हम कलर की बात करेंगे, आपको देखो दो कलर देखने को मिलेंगे, एक ब्लू और एक रेड, दो ही है वैसे, ये तो ठीक है आर्टिकल से बना रखा है। तो ब्लू और रेड का मतलब यहाँ जब भी इसकी प्योर की बात करेंगे तो कैसे में बात करेंगे, रेड कलर में, और जब भी इम्प्योर की बात करेंगे वो ब्लू कलर में बात करेंगे, ब्लू क्योंकि वहां पे CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पे पढ़ ली, एक बेसिक स्ट्रक्चर हार्ट के बारे में, और इनके बारे में जानना जरूरी है। तो हमने लिखा है कि आर्टरी जो होती है ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है, वेन जो होती है ब्लड को हार्ट के पास लेके जाती है, हार्ट में लेके आती है। तो आर्टरी कैसा लाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और वो प्योर होता है, रेड कलर में होता है, जबकि ये जो वेन जो होती है डी ऑक्सीजन ब्लड को कैरी करती है और वो इम्प्योर होता है, ठीक है। इसके एक्सेप्शन की बात करें तो आर्टरी का जो एक्सेप्शन होता है, इसके एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, ये वाली, ये इसका एक्सेप्शन है। क्यों है, क्योंकि ये ब्लड को हार्ट से तो दूर लेके जा रही है, लेकिन कैसा है यहाँ पे, इम्प्योर, कैसा ब्लड है, इम्प्योर, जबकि हमने लिखा क्या, प्योर। दूसरी तरफ वेन, वेन का भी एक एक्सेप्शन है, कौन सा है, पल्मोनरी वेन, हमने लिखा है कि हार्ट के पास ब्लड को लेके आती है, हार्ट में ब्लड को लेके आती है, ठीक है, और वो भी कैसा, डी ऑक्सीजनेटेड यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो ब्लड आएगा वो आएगा प्योर ब्लड, कैसा आएगा, प्योर, आना तो कैसा चाहिए था, इम्प्योर, लेकिन यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो होगा प्योर, और लेके कौन आ रही है, वेन्स। तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो होती है एक्सेप्शन है आर्टरी और वेन का,
इसके बाद बात करें हम अपना कार्डिक साइकिल को शुरू करें। हाउ डज द हार्ट फंक्शन, तो हार्ट किस तरह से फंक्शन करता है उसके मैकेनिज्म की बात करें। ऑल द फोर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर इन द रिलैक्स्ड स्टेट, सारे के सारे चार चैम्बर जो हमने बात की थी, दो आर्टरी और दो वेंट्रिकल्स, एक राइट आर्ट्रियम, एक लेफ्ट आर्ट्रियम, एक लेफ्ट वेंट्रिकल, एक राइट वेंट्रिकल, चारों चैम्बर बड़े रिलैक्स होते हैं, ठीक है, जैसा भी आप रिलैक्स होकर के वीडियो देख रहे हो। दैट इज दे आर इन जॉइंट डायस्टोल, तो उस रिलैक्स स्टेज को क्या कहते हैं, जॉइंट डायस्टोल, ध्यान रखिएगा। As the tricuspid and bicuspid valve are open, blood from the pulmonary veins and vena cava flow into the left and right ventricle, respectively through the left and right artery. ठीक है, तो यहाँ पे tricuspid और bicuspid valve, जो आपको मैं already heart के diagram में बता चुका हूँ, तो as the tricuspid and bicuspid valve क्या होते हैं, open होते हैं। ओपन हुए तो किसके लिए हुए, अब ओपन होते ही क्या होगा, ब्लड जो आर्टेरिया से वेंट्रिकल में आएगा, कहां से आया, आर्टेरिया से वेंट्रिकल में आया, राइट साइड वाला राइट में आएगा, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट में आएगा, क्लियर। पल्मोनरी वेन्स एंड वेना केवा फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स रेस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड राइट आर्टेरिया। अब यहां आपको इस मैकेनिज्म को वापस में थोड़ा सा बताना चाहूंगा प्रीवियस स्लाइड में। अब क्या होता है, सबसे पहले जैसे ही ये वॉल खुले, चारों के चारों ये चार चैम्बर है, देखो 1 2 3 4 चार चैम्बर है, चारों के चारों क्या होते हैं, रिलैक्स होता है, और रिलैक्स को क्या कहते हैं, जॉइंट डायस्टोल, क्या कहते हैं, जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल में अब इस कंडीशन में यहां पे क्या होगा, रिलैक्स है, तो उस कंडीशन के बाद यहां वाला वाल्व खुलेगा। इधर साइड से बात करें तो कौन सा वाल्व है, ट्राइकस्पिड, इधर से बात करेंगे तो मिट्रल वाल्व, दोनों वाल्व क्या होते हैं, खुलते हैं। जैसे खुले क्या हो गया, ये वाला ब्लड इधर आना है, ये वाला ब्लड इधर आना है, ये खाली हो गए, तो इधर का ब्लड इधर आ गया, इधर वाला ब्लड इधर आ गया, तो उसी दौरान अब ये खाली हो गया, इसके चैम्बर को वापस भरने के लिए क्या होता है, यहां से वेना केवा राइट साइड में, और इधर से बात करेंगे तो वेन्स, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, वो ब्लड्स को वापस से डंप करती है कहां पे, राइट वाले में तो वेना केवा करेगी और लेफ्ट आर्ट्रियम में पल्मोनरी वेन करेगी। तो वापस से राइट आर्ट्रियम में ब्लड आता है, मतलब कि अगर हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें, हार्ट है, ये दो चैम्बर हमने बताया, ऊपर वाला आर्ट्रियम है, नीचे वाला वेंट्रिकल है, दो तरह से इस तरह से, ठीक है, ये कंबाइन है, मैंने आर्ट्रियम और वेंट्रिकल बीच में सेप्टम अलग से है। तो जैसे अब चारों डायस्टोल में, तो क्या होगा, जैसे ही ये वाल्व खुलेगा तो ऊपर वाले से ब्लड नीचे आया, तो नीचे वाला क्या होगा, ये वाला, तो जैसे ये कॉन्टैक्ट होगा तो ये फूल जाएगा, ब्लड आके इसमें, अब वापस से ये क्या होगा, ये ब्लड आगे डंप करेगा तो ये रिलैक्स हो जाएगा, इस तरह से चलेगा, एक बार कॉन्ट्रेक्शन, ये तो रिलैक्सेशन हो गया, वापस इसमें ब्लड भरेगा, फिर ये ब्लड आगे इसको देगा, तो ये उससे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्लियर, ये चीज मैकेनिज्म समझ में आया होगा तो आपको। तो जैसे ही हार्ट है, ऊपर आर्ट्रियम से यहाँ वेंट्रिकल जो रिलैक्स थे पहले, आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुई तो वेंट्रिया रिलैक्स, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, आर्ट्रिया रिलैक्स्ड, ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन चलता रहेगा। तो यहाँ पे बात करेंगे आर्ट्रियम वेंट्रिकल के बीच में वॉल जो होता है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, और यहाँ पे राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बात करें तो सेमी ल्यूनर वॉल्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बात करें, हम एक पॉइंट समझ लिया, तो ब्लड आगे फ्लो होता है रेस्पेक्टिवली लेफ्ट और राइट में, बिल्कुल हमने पढ़ लिया, वॉल्स होते हैं स्पेसिफिक, द सेमी ल्यूनर वॉल्स आर क्लोज एट दिस स्टेज, नीचे वाले जो वॉल होंगे वो क्लोज होंगे, जो सेमी ल्यूनर की बात की, तो अभी सिर्फ हार्ट कहाँ, ब्लड कहाँ से आया है, हार्ट में ऊपर आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में आया, ठीक है, और वेंट्रिकल में वापस आर्ट्रियम में कहाँ से आएगा, ऊपर से आएगा, ऊपर से कहाँ, राइट साइड में वेना केवा से आएगा, और लेफ्ट साइड में बात करेंगे तो पल्मोनरी वेन से आएगा, ठीक है, लेकिन सेमी ल्यूनर वॉल्व क्या है, क्लोज्ड है, सेमी ल्यूनर पता है ना, ये जो यहाँ से निकलने वाले वॉल्व है, यहाँ से जब ब्लड फ्लो हो रहा है वापस जो आगे की तरफ, एक्चुअली में इसको यहाँ से बात करें, ये जो वॉल्व रहेगा इसको सेमी ल्यूनर कहेंगे, इसको अपन ने यहाँ से इतना घुमा दिया, कॉम्प्लेक्स कर दिया, तो यहाँ इसको सिंपल फॉर्म में, यहाँ वाला वॉल्व जो है ट्राइकस्पिड, ये वाला बाइकस्पिड, और ये दोनों जो वॉल्व है ये है सेमी ल्यूनर वॉल्व, क्लियर, अब चीज़ समझ में आई होगी आपको।
तो ये वाला वाल जो होगा इनिशियल फेज में क्लोज रहेगा, यहाँ से ब्लड इधर आया, यहाँ से ब्लड इधर आया, तो दोनों आर्टरी साथ में कॉन्टैक्ट हुए, तो वाल कौन सा है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, और ये वाले वाल क्लोज है, लेस के साथ साथ ऊपर जो वाल लगे थे जैसे ही खाली होगा तो ऊपर वाले से वापस ब्लड आ जाएगा, क्लियर। तो मतलब कि यहाँ से इसमें ब्लड आ रहा है और यहाँ से इसमें, तो चारों के चारों क्या हो गए, ब्लड से भर गए। द सैंड नाउ जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट्स बोथ द आर्टरिया टू अंडरगो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या होगा, SN जो बात की थी हमने, SN क्या हो रहा है, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, उससे क्या होगा, दोनों आर्टरिया क्या होगी, साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेगी, राइट वाली और लेफ्ट वाली आर्टरिया दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है, ऐसा नहीं एक-एक करेगी। दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इन टू द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 10-30%, ठीक है। तो दोनों ही आर्टरियों से जो ब्लड होगा वो वेंट्रिकल्स में जाएगा, और यहाँ से बात करेंगे जो फ्लो होता है SN की वजह से, जो वो 30% तक इंक्रीज कर देगा, SN ने जो इम्पल्स जनरेट किया है उसकी वजह से। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकल साइड बाय द AVN और AV बंडल फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफ हिज ट्रांसमिट्स इट थ्रू द एंटायर वेंट्रिकुलर सिस्टम। तो एक्शन पोटेंशियल हमने बात की थी, हार्ट में ऊपर की तरफ जो होता है यहाँ पे होता है एक SAN बात की थी, फिर एक नीचे यहाँ पे होता है AVN, और यहाँ से हमने बात की थी, यहाँ से जो जनरेट हो रहा दो ब्रांचों में बढ़ गए, तो इसको हमने कहा था पुर्किंजे फाइबर, फिर ये वेंट्रिकल तक जाएगा, ये एक्शन पोटेंशियल कंडक्टेड टू द वेंट्रिकल साइड बाय द AVN एंड AV बंडल। अब ये AVN जो है इसी इंपल्स को आगे लेके जाता है, यहां से इधर और यहां से इधर, तो इंपल्स आगे जा रहा है किसके थ्रू, बंडल ऑफ हिज और पुर्किंजे फाइबर जो हमने बात की थी, जिससे ये जो इंपल्स है पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स में फैल जाएगा, ये वेंट्रिकल जो है इधर इनमें पूरा का पूरा ये फैल गए इस तरह से, क्लियर। तो ये पूरा पूरा सब जगह फैल जाते हैं, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल सब में, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो सबसे पहले क्या हो रहा है मैं आपको दोबारा बता देता हूं, यहाँ पे SAN नोड है, यहाँ से इंपल्स बने, इंपल्स जनरेट हुए, फिर आगे कहाँ गए, यहाँ से AVN नोड, जैसे इंपल्स बने यहाँ दोनों फिल हो गए, ये भी फिल होगा और ये भी फिल हो गए, किससे, ब्लड से, यहाँ फिल होने का मैकेनिज्म बता चुका हूँ, यहाँ फिल, लेकिन ये वाले क्लोज रहेंगे, नीचे सेमिलूनर वॉल जो होता है क्लोज रहते हैं। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे, फिर जैसे ही यहाँ आता है इंपल्स जनरेट होता है, SN नोड ने इंपल्स जनरेट किया, तो क्या होगा, दोनों ही आर्टरी साथ में कॉन्ट्रैक्ट करती है, और ये वाला आगे की तरफ मूव करेगा और ये वाला आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ इसमें ब्लड आया, कैसा आएगा, आगे जाएगा तब, तो वैसे यहाँ इंपल्स जो है आगे फ्लो करता है, एक्शन पोटेंशियल बना, किसने बनाया, SN ने बनाया, आगे AVN तक पहुंचा, AVN से बंडल ऑफ पुर्किंजे फाइबर, बंडल ऑफ हिज तक पहुंचा, और ये सारा मैकेनिज्म आगे चलता रहता है, ठीक है, और इट थ्रू द एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। ये हालांकि एनिमेशन है, अभी आपको दिखाएंगे थोड़ा सा, ये देखो आप ऐसा देखना चाहे तो देखिए, ये हार्ट का क्या कौन सा पोर्शन है, ये है राइट आर्टरी ऊपर वाला, ये वाला क्या है, ये बीच में मैं एक सेप्टम लगा देता हूँ, ये है, ये तो इधर वाला आर्टरी, ये वेंट्रिकल, सेम चीज यहाँ पे, ये लेफ्ट आर्टरी, यहाँ बीच में ये वॉल्व है, दिख रहा आपको, यहाँ ब्लैक यूज करना पड़ेगा तो दिखेगा नहीं आपको,